ब्रांड के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। योगी सरकार का बचाव करते दिखे गिरिराज सिंह, राहुल गांधी पर नौटंकी करने का लगाया आरोप। बाढ़ में महज 50 रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट, अस्पताल कर्मी ने मरीज के परिजनों को मारपीट कर किया घायल। मुजफ्फरपुर में बुआ और भतीजी का एक साथ शव हुआ बरामद, दोनों घर से 4 दिन पहले निकले थे एक साथ। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। यूपी के हथरस में गैंगरेप के बाद इलाज के दौरान युवती की मौत पर राजनीति चरम पर है। विपक्षी जहां योगी सरकार पर हमलावर है, वहीं मीडिया को बीवी पीड़ित के गांव जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी घटना को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों यूपी सरकार के बचाव में खड़े दिख रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथरस की घटना पर राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ फोटो सेशन किया जा रहा है। देखिए, वहां की राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की के मुख्यमंत्री ने एसआईटी की गठन की है। जांच की प्रक्रिया को एक अपने माध्यम से उन्होंने लोगों को आने जाने पर कुछ समय के लिए रोक लगाई है। अगर उसको कानून को तोड़ने का काम राहुल जी करते हैं, और मैं तो टीवी पर देख रहा था, लग रहा था कि धक्का कम और गिर गए अपने जादे, नौटंकी करेंगे। और इसी तरह से कोविड के समय भी वो मीडिया में रहने के लिए फोटो सेशन ज्यादा करते हैं। बाढ़ स्टेशन रोड के यूसुफ गार्डन स्थित आयोजन इमरजेंसी हॉस्पिटल में पैसे लेन देन की बात को लेकर अस्पताल कर्मी ने मरीज के परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद जख्मी महिला ने थाने में मामले की लिखित शिकायत की है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से ही थाने में लिखित शिकायत की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा बेटा को मार रहा था, पैसा दे दिए थे तो बोला कि दे दिए। किसको पैसा दे दिया? उसको डॉक्टर, कंप्यूटर को। कौन डॉक्टर पास दिखा रखा है? सपना। मेरे साथ में वहाँ पे डॉक्टर के अंदर में थे, मेरी मम्मी के साथ में बकझक कर रहा था। हम जैसे ही निकले हम हॉस्पिटल से बाहर, और 20-25 लड़का मिलकर हॉस्पिटल के, मतलब डॉक्टर के केबिन से जैसे ही निकले हैं, और अंदर में 20-25 लड़का मिल करके हमको गर्दन में ऐसे लगा दिया और बहुत मार ऊपर से मारा, मेरी मम्मी को भी मारा। कंप्लेन किया थाना में कंप्लेन किए हैं। मेरा घर 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ से सब आ गया, लेकिन थाना पुलिस कोई नहीं आया। डॉक्टर अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा उदन गांव से 4 दिन पूर्व गायब हुई बुआ और भतीजी का शव एक साथ बरामद किया गया। दोनों का शव घर से 300 मीटर दूर स्थित एक पोखर में मिला है। वहीं शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर सिटी एसपी दल बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। 18 साल है, 14 साल के लगभग की है। बताया जा रहा है दोनों आपस में फुआ और भतीजी लगती है। उसका मिसिंग रिपोर्ट कराया गया था थाने में। आज उसके घर के बगल में ही कोई JCB से गड्ढा पहले खोदा गया था, उसमें बरसात वाली पानी आ गई और उसी में से इन दोनों का डेड बॉडी बरामद हुआ है। उनके घर के पास का ही है। अब किस परिस्थिति में वहाँ डूबी हैं, कैसे वहाँ तक गई, ये अभी अनुसंधान का विषय है। पुलिस इन पहलुओं पर जाँच कर रही है। तारीख को सर 6:30 बजे में बच्चा मेरा गायब हो गया है ना, तो हम सोचे कि अगल बगल में होगा, आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके कल होकर के हमने FIR दर्ज किया अज्ञात पर, समझे। तो उसके बाद जैसे कि हम लोग अपना खोजबीन किए, कल आज सुबह तक ले भी खोजे हैं तो कुछ नहीं मिला। दोपहर में पता चला है कि वहाँ पर दोपहर के बाद जैसे कि कुछ बतियाया बच्चे लोग, तो गए हम लोग देखने, तो वहाँ पर मुझे लाश मिला, समझे। क्या शंका, क्या लग रही है? शंका सर किसी ने हत्या कर दिया साजिश के तहत। क्या बच्ची का लाश है? दो बच्ची का लाश है सर, एक मेरा बेटी है और एक मेरा पोती है जी। क्या उम्र रही होगी? उम्र श्वेता बेटी का उम्र है 18 साल, डौली कुमारी का पोती का उम्र है 14 साल। क्या लग रहा है शंका इसमें? शंका सर किसी साजिश के तहत मारा गया है। सूबे की सत्ता में हिस्सेदारी से महरूम धानुक समाज ने बिहार में एकला चलने का निर्णय लिया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के प्रांतीय महासचिव बलराम मंडल ने इस निर्णय पर मुहर लगाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बलराम मंडल के समर्थन में धानुक समाज के युवाओं ने बाइक रैली निकाली और चुनाव को लेकर एकजुटता का इजहार किया। विधानसभा क्षेत्र
का एक मतदाता है। तमाम अगल बगल जितने भी जो देख रहे हैं, हम लोग एक धानुक जाति से बिलोंग कर रहे हैं। हम लोग को इस स्थिति में रखा गया है, जितर तितर हालत में, जैसे फूल की पौधों से फूल करके टूटना या तोड़ करके गिराना, ये दोनों ही परिस्थिति हमारे धानुक समाज के साथ राजनीतिक दल ने करते आया है। पूरे मोकामा विधानसभा से निर्दल अगर किसी दल हम लोग को मोकामा विधानसभा के बलराम मंडल को टिकट देती है तो हम सब दल का सम्मान करते हैं। अगर किसी दल अगर मोकामा विधानसभा से बलराम मंडल को टिकट नहीं देती है तो हम लोग जो कि पूरा धानुक परिवार अति पिछड़ा परिवार, हम लोग उनको मोकामा विधानसभा में विजयी के रूप में विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के मजरोही उर्फ शहरिया पंचायत के विक्रमपुर गांव की बेटी ने इसरो के साइबर स्पेस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर अपने गांव के साथ साथ जिला एवं राज्य का नाम रोशन किया है। सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के विक्रमपुर गांव की निवासी शिक्षक मुकेश कुमार सिंह की पुत्री विशाखा कुशवाहा, जो हाजीपुर के एक निजी विद्यालय में वर्ग 9 की छात्रा है, उसने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इसरो साइबर स्पेस निबंधन प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर अपने गांव के साथ साथ अपने जिले का नाम रोशन किया है। क्या कहना है, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की उम्मीद थी वो चीज़ तो हुआ है, लेकिन अगर 1 to 10 में आते तो और ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि हम लोग तैयारी करते ही हैं सफलता पाने के लिए, और सफलता मिली है इससे मुझे बहुत खुश हो रहा है। किसको श्रेय देना चाहते हैं आपकी सफलता के पीछे? मैं अपने मम्मी पापा, अपने परिवार वाले और अपने मामा जी को भी इसमें शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कुछ कुछ नया आता है, उस तरीके से बताते रहते हैं, इसलिए मैं इन सभी लोगों को अपना इस सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। रीजन है जो गांव देहात में लोग कहते हैं जो बच्ची कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हमारे गांव देहात में जो प्रतिभा है, हम लोग को उस प्रतिभा को जो निखार के सामने लाना है, उसमें ये इस पर खरा उतरी है। तो बच्चे को खास करके जिस चीज़ में रुचि हो, जिस विषय सेक्टर में जाना जाए, हमको इसी पढ़ाई में मन लगता है, तो उसको अपने स्तर से गार्जियन को उसमें डिस्टर्ब नहीं करके सिर्फ उसको उसी रुचि में जाने दे, उसी विषय में, ताकि वो दिल से उस पर स्पेशल फोकस करके और उसमें सफलता हासिल करे। आज जो ये देश का स्तर पर राज्य में जो इतना नाम रोशन किया है पूरे परिवार का, समाज का, जिला का जी, इसकी कड़ी लगन और मेहनत जो कर रही है ये बच्चे, उसको देख के हम संतुष्ट हैं और इससे और उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से जो ये भविष्य में अच्छा करे, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने जिले के, राज्य का, देश का नाम रोशन करे। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जहाँ तक हम लोग को होती है, हम लोग माने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम कमाते हैं उसका ज़्यादा पैसा हम लोग इस लोग के पढ़ाई पर, रहन सहन पर ही खर्च करते हैं। तो हमारे लिए पूंजी जो भी मानिए, ये सारा पूंजी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके स्वास्थ्य ही है। वैशाली पुलिस ने डाबर कंपनी के डुप्लीकेट सामान तैयार करने वाली फर्जी कंपनी का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सामान भी बरामद किया है। इसके साथ ही कॉपीराइट एक्ट में मामला भी दर्ज किया गया। मौके से धंधेबाज पिंटू कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले को लेकर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने पूरी जानकारी दी है। पकड़ाया है, क्या मतलब कैसे पकड़ाया है? ये डाबर का डुप्लीकेट केसी है, डाबर का गुलाब जल है, राइपर है और फेस्ट है, जो डुप्लीकेसी पाया गया है। हम लोग को गुप्त सूचना से पता चला था कि यहाँ वैशाली में रेती में डुप्लीकेसी हो रहा है, तो हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग छापामारी किए, उसमें डाबर का डुप्लीकेसी पकड़ाया है, गुलाब जल। कितने का माल होगा लगभग? लगभग 80-85 हज़ार का तो माल होगा। तो ये आप में और ये डुप्लीकेट में जो आपकी डाबड़ की बनती है गुलाब जल, और इसमें क्या फ़र्क, कैसे पता चलेगा? इसमें फ़र्क चलता है, इसमें जो रैपर है उसमें भिन्न रहता है, रैप जो ओरिजिनल रहता है उसमें शाइनिंग रहता है, डुप्लीकेट में शाइनिंग नहीं रहता है। मोकामा पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा युवक सिकंदर पासवान को महज 24 घंटे के अंदर अपहर्ताओं के चंगुल से नालंदा जिले के चेरो गांव के कुशल मुक्त करा लिया। इस सिलसिले में दो अपहर्ताओं को भी मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बाढ़ एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि मोर गांव निवासी सिकंदर पासवान को पंडारक के दो अपहर्ताओं ने घर से बुलाकर अगवा किया था। अपहर्ताओं ने युवक की रिहाई से एवज में 2 लाख की फिरौती भी मांगी थी। वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म के आरोप में मोकामा पुलिस ने एक अन्य दुष्कर्मी को भी दबोच लिया है। हो गया था, लेकिन जो पुलिस को घटना जानकारी मिली वह 30 तारीख को सुबह में मिली। सुबह में जब उसके परिवार वालों ने खोजना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अपहरण हो गया है, और हमने 24 घंटे के अंदर अपहरित को बरामद कर लिया, साथ में मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। नौगछिया पुलिस ने झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र में बिहपुर बस स्टैंड के पास NH 31 चौक पर निकेश चौधरी के अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं अपराधियों ने 3 लाख रुपए और 3 मोबाइल भी लूट लिए। मामले को लेकर ओपी प्रभारी ने बताया कि घायल के इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया गया है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बच्चों के विवाद में बड़ों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस घटना में एक दंपत्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि मोकामा नगर थाना में पंच मोहल्ला में खेल खेल में बच्चों का विवाद बड़ों तक आ गया और देखते ही देखते घटना स्थल कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस घटना में एक दंपत्ति बुरी तरह से घायल हो गया। मोकामा पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कौन मारपीट किया? ये बगल के पड़ोसी है। सरकार चाहे कितना ही पहरा लगा दे, कितनी ही शराब माफिया को गिरफ्तार करवा ले, लेकिन शराब कारोबारी शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र से सिरादे पट्टी चौक का है, जहां उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पंच पेटी में बंद विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी मात्रा 45 लीटर बताई जा रही है।